पर फेरी वाला नहीं बैठने देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसके सामने संघर्ष करेगी। शाखा 9 न्यूज, सच की बात हक के साथ। नमस्कार आदाब, शाखा 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। चारको विधानसभा के आमदार योगेश सागर ने मनपा आयुक्त को चेतावनी दी, अगर मथुरा दास रोड से फेरी वालों को डराया या हटाया गया तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। आइए जानते हैं क्या कहा आमदार योगेश सागर ने इस वीडियो में। फेरी वाला नहीं बैठने देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसके सामने संघर्ष करेगी। मैंने डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर को विनंती की कि आप डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर नहीं थे, मैं विधायक और आम नगर सेवक नहीं था, उसके पहले से 35 वर्षों से ये फेरी वाले यहाँ पर बैठते हैं। आप उनको आज इस प्रकार से हटा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना निर्णय किया है, वो रास्ता हम क्लियर करेंगे। उनको अगर रास्ता क्लियर करना है तो काशीतेश्वर मार्ग है, 60 फीट डीपी रोड है, उस प्रकार के रास्ते ठेले वालों के रोज का 50,000 रुपया हफ्ता ही जाता है यहाँ पर। जवाबदारी से कान खोलकर म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी सुन ले, 50,000 रुपया प्रतिदिन ठेले वाले आते हैं, उनसे हफ्ता जाता है। कांदिवली ईस्ट और कांदिवली वेस्ट में कुल मिलाकर 550 से 600 ठेले चलते हैं और हर ठेले का 80 रुपया वसूल किया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस प्रकार के आप व्यवसाय धंधा करोगे और फेरी वालों को यहाँ से हटाओगे, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। हमारे सभी नगर सेवक और मैं स्वयं आमदार फेरी लगाऊंगा उनके सामने, इस प्रकार की अगर हरकत करेंगे तो उनके संघर्ष में, उनके विरोध में आज हमने यहाँ पर धरना दिया। आमदार योगेश सागर ने साफ शब्दों में कहा, इन्हें हटाया गया तो खैर नहीं, क्योंकि ये फेरी वाले पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। रही बात रोड क्लीन करने की, तो बीएमसी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, गणेश नगर का 60 फीट क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसी जगहों पर इनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है क्योंकि उन्हें वहाँ से हफ्ता आता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फखरुद्दीन हाशमी, शाखा 9 न्यूज़।